हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है तस्वीर और इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट कर रहे हैं चाइनीज J20 एंड US F-35 फर्स्ट इनकाउंटर। व्हाट इज़ दिस अबाउट? J10C का वीडियो किया था मैंने, तो J20 एंड US F-35, चलिए इसके बारे में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, दुनिया के पहले दो फिफ्थ जनरेशन तैयार है जिनकी मैस प्रोडक्शन जारी है और ये एयर फोर्सेस में स्क्वाड्रन लेवल स्ट्रेंथ पर सर्व कर रहे हैं। इनका गुज़श्ता रोज मशरकी चाइना सी में आमना सामना हुआ है। दोनों हरीफों के इन लीडिंग एयरक्राफ्ट्स के प्रोडक्शन इनकाउंटर की तफसीलात अमरीकी फिजाइया के कमांड के सरबराह ने फराहम की। इस वाक़े पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अमरीकी पैसिफिक कमांड के कमांडर ने कहा है कि चीन का J20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जिसको चाइनीज एयरफोर्स के KG-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की सपोर्ट हासिल थी, उसका गुज़श्ता दिनों अमरीकी F-35 से ईस्ट चाइना सी में आमना सामना हुआ है। ये दोनों हरीफ फिफ्थ जनरेशन तैयारों का पहला आमना सामना था। तमाम इस इनकाउंटर को अमरीकी कमांडर ने फ्रेंडली करार दिया है और इसको इंगेजमेंट नहीं कहा। उन्होंने मजीद कहा कि हम J20 से एसोसिएटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बड़े मुतासर हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि हम एक प्रोफेशनल फ्लाइंग देख रहे हैं, लेकिन J20 की इस फ्लाइट के मकसद के बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अमरीकी कमांडर का कहना था कि जहां तक J20 की सलाहियत और रोल का ताल्लुक है, तो ये देखना होगा कि J20 F-35 की तरह की मल्टी मिशन सलाहियत रखता है या F-22 रैप्टर की तरह एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। KG-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के बारे में उनका कहना था कि इस सिस्टम का लॉन्ग रेंज फायरिंग के हवाले से कलीदी किरदार है। वाज़ह रहे कि चीन के वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को KG-500 की मदद हासिल होती है। अमरीकी कमांडर का कहना था कि इस किल चेन यानी J20 के PL-15 मिसाइल और KG-500 एवैक्स के रबते को मुनकता कर देना मेरे लिए दिलचस्पी का बाइस होगा। अमरीकी ऑफिशल्स के मुताबिक J20 फाइटर का PL-15 एयर टू एयर मिसाइल 200 से लेकर 300 किलोमीटर की रेंज रखता है और यह रेंज अमरीका के हालिया आर्सेनल में मौजूद एयर टू एयर मिसाइल्स को आउट रेंज कर देती है। गो के इस तरह के लॉन्ग रेंज मिनिशन के लिए पावरफुल सेंसर सूट का होना जरूरी है, जो J20 पहले ही हाउस करता है, लेकिन KG-500 जैसे एयरक्राफ्ट की सपोर्ट इस तरह के वेपन पर इनसार को बढ़ाने और इंक्रीज सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए बहुत अहम है। अमरीका ने मशरकी एशिया में काफी तादाद में F-35 डिप्लाई कर रखे हैं, जिसमें एयरफोर्स के ए वर्जन के अलावा मेरीन कोर के जेर इस्तेमाल F-35B भी शामिल है। इसके अलावा नेवी के जेर इस्तेमाल सी वर्जन भी इस खत्ते में तैनात हैं, जिसमें से एक को जनवरी में साउथ चाइना सी में हादसा भी पेश आया था। अमरीका F-35 के तीनों वर्जन 2014 से 2019 के दरमियान सर्विस में शामिल कर चुका है, जबकि चीन का J20 2017 के बाद नए इंजन के साथ तेजी से सर्विस में इंडक्ट किया गया है। अमेरिका का F-35 J20 की निस्बत सिंगल इंजन और लाइटर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट समझा जाता है, तमाम इस क्लास में अमेरिकी F-22 रैप्टर को शुमार किया जाता है। अमेरिका ने F-22 रैप्टर के 180 से ज्यादा यूनिट्स तैयार करने के बाद इसकी प्रोडक्शन ऑपरेशनल और प्रोडक्शन कास्ट को लेकर बंद कर दी थी, जबकि F-22 रैप्टर के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका इसको 2030 में रिटायर कर देगा। दूसरी जानब चीन J20 का ट्विन सीट वेरिएंट भी मुतारिफ करवा चुका है, जिस पर टेस्ट और ट्रायल्स जारी हैं। चीन ने अपने FC-31 की तैयारी का प्रोसेस भी तेज कर दिया है, जिसको ना सिर्फ चाइनीज नेवी इस्तेमाल करेगी बल्कि इसको दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये था चाइनीज J20 एंड US F-35, मतलब F-35 फर्स्ट इनकाउंटर। तो ये एक लाइक कंपैरिजन था किस चीज़ में क्या है। ये बता भी रहे थे कि 2030 में ये शायद 22 को F-22 को रिटायर भी कर देगा, लेकिन J20 जो है उसका प्रोडक्शन जारी है।
G20 आई डोंट नो, इससे मुझे पता नहीं चला कि पाकिस्तान में है या नहीं है। G10C का पता चला है कि अभी अभी उन्होंने एडॉप्ट किया हुआ है, ले लिया है, मतलब जो एक एयरक्राफ्ट में, एक लड़ाकू एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए, जो स्पेशलिटीज़ अदर देन कि बहुत सारी रेंज हो, 200 से 300 किलोमीटर की रेंज, या फिर उसके अलावा और सारी खासियतें जो होती हैं वो उसके बारे में बता रहे थे। तो ये किससे बेहतर होगा ऐड होने के बाद, और भी शायद इम्प्रूवमेंट हों जब तक ये ऐड होगा। बाकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग।